टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में इस साल रबी सीजन में चने का उत्पादन काफी बड़ा है। राज्य में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% बढ़कर 27.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ये एक प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। ऐसे में यहाँ के लाखों किसानों का जीवन चने की खेती पर ही टिका है। केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चने की खरीद का लक्ष्य 6.69 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 7.76 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। देश में 2022-23 के लिए कुल सरकारी चना खरीद का लक्ष्य 29 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें महाराष्ट्र का अहम योगदान है। फिलहाल प्रदेश के किसान 2 दिन और सरकारी खरीद केंद्र में चना बेच सकेंगे। वहीं अकोला महाराष्ट्र का प्रमुख चना उत्पादक जिला है, जहां चना उपार्जन के लिए सरकारी केंद्र को जल्द बंद करने का किसानों ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि केंद्र बंद होने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से उपार्जन केंद्र फिर से खोलने की मांग उठाई। फिर 18 जून तक सरकारी खरीद केंद्र खोलने पर सहमति बनी है। इससे जिले के किसान परेशान है काफ़ी, वहीं जिससे उनको काफ़ी कहीं ना कहीं राहत भी मिली है, क्योंकि समय से पहले केंद्र बंद होने से किसानों को चिंता सता रही थी कि चना, बचा हुआ चना कहाँ बेचा जाए। वहीं नाफेड से जिले में 15,000 क्विंटल चना खरीद की जानी है। अब उम्मीद की जा रही है कि खुले बाजार में भी चने के प्रभाव में तेजी आ सकती है। इस वर्ष रबी सीजन में चने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन होने के कारण खुले बाजार में भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि क्रय केंद्र पर भाव 5,230 रुपये निर्धारित किया गया है। 1 मार्च से शुरू हुए इस केंद्र को 29 मई को बंद किया जाना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। राज्य भर में 5 लाख से अधिक किसानों ने वर्ष में चना बेचने के लिए पंजीकरण कराया था। अब सरकारी खरीद केंद्र पर चना बेचने का दो दिन का ही मौका है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द शेष चना केंद्र पर बेचे जाएंगे, वहीं नहीं तो निजी क्षेत्र को ही ये सहारा मिलेगा। देश के सबसे बड़ा चना उत्पादक मध्य प्रदेश में 7 जून को सरकारी खरीद बंद हो गई है। अन्य राज्य गुजरात में 8.71 लाख मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 8.71 लाख मीट्रिक टन और राजस्थान में 5.97 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। खरीद की मौजूदा गति को देखते हुए अनुमान है कि देश में 25 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।